Money Mom Abroad and family. Everybody say Eid Mubarak. Eid Mubarak. Assalamu alaikum everybody. This is me, Qurratul Ayn, and you are watching Pakistani Mom Abroad. Hope you all are doing well and welcome back to my YouTube channel. जी अगर आप चैनल पे नए हैं तो वीडियो देखने के बाद आपने करना है चैनल को सब्सक्राइब और आपने लाइक लाजमी करना है एंड अगर आपने कमेंट भी करना है तो यू कैन आस्क एनीथिंग अबाउट यूएई. तो जी आज है ईद और इंट्रो में ही मैंने आप लोगों को ईद मुबारक कह दिया है एंड वंस अगेन ईद मुबारक. तो फिर मैंने कहा इस दफ़ा जी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ अपना ईद का व्लॉग और बताती हूँ कि ईद पे क्या किया है, क्या चलता रहा है यहाँ पर यूएई में, ईद कैसे होती है, कैसे आपने जानवर बाय करना होता है, जानवरों के रेट क्या चल रहे होते हैं. तो जी इस टाइम हम लोग जा रहे हैं आज एक यूएई के विलेज में जहाँ पे जी हम लोगों ने कुर्बानी करनी है. तो यहाँ रास्ते में गाड़ी रुकवाई मैंने स्पेशली टू इन्जॉय दिस समर इन सहरा. आपको पता है कि सहरा में डेजर्ट में इस टाइम शदीद गर्मी हो रही थी और साथ साथ गर्म हवा भी चल रही थी. तो मैंने हस्बैंड से कहा, मैंने कहा नहीं गाड़ी रोकें ताकि मैं नीचे उतर के आई वॉन्ट टू फील दिस इन्वायरमेंट के क्या सिचुएशन है. देर गुजारा नहीं, उस वहाँ पे एक गांव है, वहाँ चलते हैं और आपको दिखाती हूँ कि यहाँ के गांव कैसे हैं और यहाँ पे ईद कैसे सेलिब्रेट होती है. बच्चे गाड़ी में इंतजार कर रहे हैं, सो लेट्स गो, चलते हैं आगे. ओह माय गॉड, गाड़ी का हैंडल इतना शदीद गर्म हो गया ना, गाड़ी का हैंडल शदीद गर्म हो गया. हम लोग एंटर हो गए हुए हैं फुरकान में. थोड़ा सा डिफिकल्ट नाम है, मेरी जबान पे नहीं आ रहा बिकॉज फर्स्ट टाइम मैं प्रोनाउंस कर रही हूँ खुद भी. तो वी आर इन फुरकान, कुछ भी मतलब आप लोगों को पता है क्या है फुरकान. तो जी बहुत ही खूबसूरत एरिया है, एंटर होते साथ ही बहुत ही ग्रीनरी नज़र आ रही है, दैट्स व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग. और आपको पता है कि जो है वो हम लोग जो ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में रहते हो ना, तो हम लोगों को ग्रीनरी की आदत हो जाती है, नेचर लवर हो जाते हैं. और फिर जब तक वो नेचर कहीं नज़र ना आए तो हमें सुकून नहीं आता और मुझे काफ़ी अरसे से ये सुकून महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आई कैन फील इट नाउ. अभी आपको मैं दिखाती हूँ कितना खूबसूरत ये ग्रीन एरिया है. तो आई एम एंजॉयिंग लाइक अभी से ही मेरी आंखें ठंडी हो रही हैं कि चले ओके आई कैन रिलेट इट विद इस्लामाबाद. तो जी अभी हमारा सिग्नल ओपन होने लगा है एंड वी आर मूविंग ऑन और साथ साथ आपको दिखाती रहूंगी कि उर्फ खान कैसा है. और उससे पहले मैं क्या कह रही थी, कुछ गलत नाम ले रही थी क्योंकि फुजेरा कह रही थी क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ. तो इस वजह से इस टाइम अभी थोड़ी बहुत मिस्टेक्स अंदर चलती रहेंगी, तो कहीं नाम की रदो बदल हो जाए तो समझ जाइएगा कि पाकिस्तानी मॉम अब्रॉड खुद फर्स्ट टाइम जा रही है. तो जी ये देखें, ये यहाँ पे विलेज स्टार्ट हो गया हुआ है और बहुत ही खूबसूरत जगह है, बहुत ज़बरदस्त ग्रीनरी है और ऐसी ही ग्रीनरी चाहिए थी मुझे क्योंकि थोड़ा विलेज वाला टच चाहिए था ईद करने के लिए ताकि हमें हमारी ट्रेडिशनल फील आए पाकिस्तान की. यहाँ पे ये मस्जिद है और चारों तरफ से आप देखें बिल्कुल अभी विलेज वाली फील आ रही है. पता चल रहा है कि जैसे किसी वेल एस्टेब्लिश्ड एरिया के या कंट्री के देहात होते हैं. तो हम लोग पहुँच गए लेकिन देहात में ज़रा मॉडर्न से घर बने हुए हैं. तो ये है जी, और बस अभी आगे आगे चलते हैं और साथ साथ जी आपको रास्ता दिखाती जाऊँगी. बच्चे बैठे हुए और हम लोग इंतज़ार में हैं कि जल्दी से पहुँचे. होप्स हो कि वी आर क्लोज टू द हाउस जहाँ हमने जाना है, हमें हम करीब हैं घर के भी. और ये देखें ये कच्चे रोड स्टार्ट हो गए हैं जी बेटे, या ये देखें कितना खूबसूरत एरिया है और मज़ा आ रहा है. कच्चा रोड है, मुझे कच्चे रोड की जो खुशी हो रही है ना मैं आपको बता नहीं सकती. तो कहते हैं ना इंसान ना शुक्र है, सीधे सीधे रोड साफ सुथरे रोड देख के अब जरा कच्चे रोड को दिल था तो अभी नीचे कच्चा रोड मिल गया है. यहाँ
यहाँ पे जी हम लोग पहुँच गए हस्बैंड के फ्रेंड के घर और इन्होंने हमें वहाँ छोड़ा। हम लोगों ने खाना वाना खाया और उसके बाद हस्बैंड और बेटे चले गए बकरा मंडी, क्योंकि बकरा देखना था, कुर्बानी करनी थी। तो यहाँ पे मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि यूएई में यहाँ पे बकरा या फिर उसके अलावा बड़ा जानवर कितना उसका रेट होता है, ताकि नेक्स्ट ईद पर अगर आप लोगों ने शॉपिंग करनी हो, इसकी बकरे की शॉपिंग करनी हो या फिर गाय की या फिर शीप की, तो जी आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि यहाँ पे कीमतें क्या होती हैं। तो जी यहाँ पे जो बड़ी गाय होती है, बैल होते हैं, अगर उसका स्टार्टिंग लें तो जी वो स्टार्टिंग होता है उसका 5000 दिरहम से, और फिर इसी तरह ऑनवर्ड 18 से 20,000 दिरहम तक भी जाता है। और फिर आपको पता है साइज़ पे और बकरे के सॉरी जानवर की हेल्थ पे डिपेंड करता है, और ये लोग उस हिसाब से कीमत लगाते हैं, और वेट पर भी डिपेंड करता है। उसके बाद जी अगर शीप की बात की जाए, शीप को मेरे ख्याल से उर्दू में भेड़ कहते हैं, भेड़ कहते हैं, भेड़ का जो आपको वो मिलेगी 1500 से 2000 दिरहम उसका स्टार्टिंग है, इसी तरह वर्ड प्राइजेज होती हैं। और उसके बाद जी जो बकरा होता है वो भी इसी तरह है, 400 to 500 या 600 से इसका स्टार्ट है दिरहम से, और उसके बाद ऑनवर्ड प्राइजेज होती हैं। और यूएई के अंदर रूल है कि आप स्लॉटरिंग बकरे की बाहर नहीं कर सकते हैं, स्लॉटर हाउस में जाना होता है। ऐसा नहीं है जैसे कि पाकिस्तान इंडिया में होता है कि जानवर लिया और उसके बाद आप अपने घर पर भी कुर्बानी कर सकते हैं, बाहर कहीं रोड पे भी कर सकते हैं या किसी भी एरिया में कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है, इस वजह से ये लोग ले गए थे बकरे को स्लॉटर हाउस में और वहाँ पर ज़िबह कराया और इसी तरह कुर्बानी का गोश्त तकसीम किया। तो यहाँ पे जी रात का वक्त हो गया, इट्स 11:30 एंड वी आर गोइंग बैक टू होम। तो यहाँ पे देखें वही बिल्कुल गांव वाली गलियाँ हैं, और बहुत ही मज़ा आया है, बहुत मेहमान नवाज़ लोग थे और बहुत दिल खुश हुआ। तो इस वजह से अभी जी हम लोग अभी घर वापस जा रहे हैं। बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि आज कुर्बानी भी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, और ईद का फर्स्ट डे बहुत अच्छा गुजर गया फैमिली में। और आपको पता है जब आप बाहर कंट्रीज़ में रह रहे होते हैं तो फैमिली वाले टाइम को इंसान बहुत मिस करता है। तो इस वजह से आज बच्चों ने मेरे जी ये लोकल फैमिली थी इनके साथ ही यहाँ पे खेला कूदा टाइम स्पेंड किया और फिर इंजॉय किया। हम लोग गर्ली टॉक फीमेल टॉक गर्ल्स गिव सम स्पेस। हेलो गाइस, सो वी आर गोइंग बैक टू होम। हमारी आज की जो पिकनिक थी और हमारा आज का जो ईद का ठे था दैट वाज फिनिश्ड। मैं यहाँ पे रास्ते में जब बोर हुए तो बच्चों को लग गई भूख और हम रुके हैं जी। बच्चों ने खाए हैं क्रिस्पी क्रीम डोनट्स, और क्योंकि बच्चों का दिल कर रहा था कुछ मीठा खाने को और मैं तो मीठे से रही ज़रा अवे इसलिए क्योंकि मेरी जी आधी डाइटिंग होती है जो कि कभी कभी ख़त्म हो जाती है। वो आधी इसलिए होती है क्योंकि सुबह डाइटिंग शुरू होती है और रात को ख़त्म हो जाती है। खैर जी, और यहाँ से फिर हम लोग दोबारा निकल गए हैं घर के लिए, और अभी टाइम हो गया है जी बाय बाय का, क्योंकि हम लोग काफ़ी थक गए हैं। और फिर मैंने कहा आज व्लॉग को भी इधर ही एंड करते हैं और मिलते हैं एक नए व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।